वही अभी ना लैपटॉप लगा करके चेक किया जाएगा कि भाई गाड़ी के अंदर एक्चुअल में इश्यू क्या आ रहा है। तो भाई ये एनालाइज कर रहा है जो गाड़ी का फॉल्ट है ना उसको। अभी EMS ने ये कहा है स्टार्टर रिले स्टॉप ओपन फॉल्ट। भाई गाड़ी के ना अभी इंजेक्टर ओपन कर लिए। अब इसके जो हीटर है ना, चार हीटर है इसके अंदर, चारों हीटरों का अभी ना ओपन कर रहे हैं इसको। तो यार निकल के ना अभी ये अपने हीटर आए हैं गाड़ी के। तो कूलेंट कम है क्या इसके अंदर? हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? यार ठंड पता है एकदम बढ़िया वाली हो गई है आगरा में। अपने आज फॉग कम है, अदरवाइज ना डेली बहुत तगड़ा वाला फॉग हो रहा है। यार अभी क्या सीन है ना, मुझको ना अपनी गाड़ी को रेडी कराना है क्योंकि अपनी वही ट्रिप बन रही है। मैं जा रहा हूँ कहीं पर घूमने के लिए, और उससे पहले हमें अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रेडी करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, और दूसरा एक इसमें दिक्कत आई थी मनाली में कि दो तीन दिक्कतें हैं। एक दिक्कत, पहली दिक्कत ये है कि इसका जो वाइपर का वॉशर टैंक है ना वो फट गया है भाई। पता नहीं लीक कर गया कहीं से। और लीक क्यों किया था, यहाँ पर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी का, उस टाइम पर ना उस पर जा कर के पड़ा था वो कुछ, तो उसे लीक कर गया। एक बार खुलवाता हूँ, निकलवाता हूँ उसे, अगर वो किसी चीज़ से जो थोड़ा बहुत छोटा बहुत छेद हुआ तो उसको जो है कुछ लगा करके ख़त्म कर देंगे, नहीं नया डलवाना पड़ेगा। दूसरा इसमें काम है भैया कि इसकी जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो भाई अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, अगर देखो आगरा का जो टेम्परेचर है ना वो अभी देखो आप कितना है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ देखो 20 और मिनिमम जो 10, 8 और आगे देखो तो 7 डिग्री तक ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर अभी तक नहीं गया है। ठीक है, अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँगा। कल गाड़ी चल के आई है और रात में अभी खड़ी रही है। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि भाई गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, देखना आप अभी, है ना। और तीसरा जो काम है ना, इस गाड़ी में इंजन में काफ़ी वाइब्रेशन आ रहा है, तो एक बार वो भी चेक कराना है कि भाई कौन सा माउंट इसका कटा है। आपकी बार लास्ट टाइम चेंज करवा चुका हूँ, अभी कौन सा कट गया वो एक बार चेक कराना है। ठीक है, तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं, गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है आप देखना। और ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि मैं जो है कंपनी में यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ वहाँ पे दिखाऊँ भाई ये दिक्कत आ रही है आगरा के अंदर, अगर मैं बाहर चला जाऊँगा अभी लेकर के तो क्या करूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है भाई, सिस्टम चेक। मैंने अभी इसको ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको साउंड सुनाई पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई, क्लिक दबाई अपना और गाड़ी देगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, 10 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर है उस पर। फिर से स्टार्ट करते हैं भाई, सीरियसली तीसरा सेल्फ है या फोर्थ सेल्फ है रही गाड़ी? फिफ्थ सेल्फ है गाड़ी स्टार्ट हुई है। यार पता है यही तो मेरा डर है इस गाड़ी के अंदर कि अगर इस गाड़ी को मैं कहीं लेके चला जाऊं, ठीक है बंद करूं से, और लेके चला मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी भाई। -5 और 0 पे अगर चला गया मैं, फिर ये गाड़ी गई, फिर मैं और फंस जा रहा है मेरे को अगर ऐसी जगह पे कहीं पर हूँ मैं अगर। तो भाई ये बहुत सीरियस केस इसमें हो गया है। तो चलो भाई गाड़ी बाहर निकाल ली मैंने, जबकि मैंने इसको स्टार्ट करने के बाद गाड़ी बंद करी थी गेट लगाने के लिए। ठीक है, शूज़ वाला पहन करके आया था और उसके बाद भी ना मैंने स्टार्ट करी गाड़ी। तो भाई एक लंबा सेल्फ गाड़ी ने लिया, तो यानी भाई गाड़ी में ना कुछ दिक्कत आ रही है भाई। यार कोई 2019 का मॉडल है यार किसी के पास XUV300 का, और अगर वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो यार एक बार कमेंट करके बताना कि यार ये आप भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि ये सिर्फ मेरी ही गाड़ी में दिक्कत है। यार मेरा मॉडल है W8 2019। देखो यार प्लीज़ यार चेक करके ज़रूर बताना आप, है ना। भाई इस समय आगरा के अंदर ना ट्रैफिक का जो आलम है ना भाई अपर लेवल पे है। इस समय इतनी ज़्यादा टूरिस्ट आगरा में आ रहा है ना भाई, भयंकर जाम पे जाम लगी हुए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाई। अभी तो क्या है, 1 तारीख और आने वाली है 25 दिसंबर को, तो भाई भयंकर वाला सीन था। और ताजमहल चले अभी आगरा में ना भाई, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है भाई ताजमहल में तो यार इस समय। और गाड़ी निकालूँ पहले मैं यहाँ से भीड़ भाड़ से।
वहाँ तो समझ लो कि जो भी पार्किंग है उसकी ना वो सारी फुल है इस समय सब। और एक सेकेंड, उसके बाद ही रोड पर गाड़ी लगा दी है, रोड फुल हो चुकी है भाई। और एक नई पार्किंग बनाई मैंने देगी पहली बार भाई ताजमहल की, तो वो भी फुल भाई तगड़ा वाला है। यहाँ पे इस समय जो है ना टूरिस्ट आया हुआ है, अभी एक तारीख आ रही है ना उस समय बहुत तगड़ी भीड़ होगी इस समय यहाँ पर भाई साहब। अगर आप प्लान कर रहे हो ना आगरा आने का, और आगरा ही क्या सब जगह ही यही सीन है बताऊँ आपको, मैं देख ही रहे हो रील्स वगैरह पेल करके आ रही है मनाली सस्सू वगैरह, क्या बुरा हाल हो रहा है। मेरा बड़ा मन है जाने का वहाँ पर, लेकिन एक तो क्या है मेरा मेन रीजन न जाने का है भाई अपनी गाड़ी की वजह से, क्योंकि अपनी गाड़ी वहाँ पर नहीं जा पाएगी, जा क्या पाएगी, स्टार्ट नहीं होगी भैया सुबह सुबह, मेरा तो हाल बुरा हो जाएगा वहाँ पर। गलती से पहुँच भी गया तो मैं तो वो बहुत बड़ा इशू है मेरे साथ में भी। और दूसरा क्या, फिर इस समय इतनी सारी भीड़ है ना वो और बेकार है यार, बहुत ज़्यादा है यार। मैंने पहले ही ना इस चक्कर में रिकॉर्ड करके लाया था ना, तो दिखा दूंगा अभी, तो बिलीव नहीं करोगे। एक बार पाँच स्कैनर लगा पहले एक बार इसलिए। और दोस्त सुनो एक ही हो रहा है यार, ये ना इसका टैंक है ना ये यार कहीं से लीक कर गया, यहाँ पे गाड़ी टकराई थी मेरी तो पता नहीं कहीं से लीक कर गया यार। मोटरसाइकिल वाले ने वादी, स्टूडियो वाले ने, हाँ तुम देख चुके हो तुम्हें वीडियो देख लिया यार, ये लीक कर गया है तो इसको पता नहीं कहीं से छोटा बड़ा छेद हुआ हो तो निकल गया था। सुनो छोटा बड़ा छेद हुआ हो अगर तो फिर तो अपन जो है उसमें वो लगा देंगे एम सील वगैरह जो होती है, हाँ वो देख, अगर ज़्यादा फटा है तो फिर नया डलेगा फिर, ये ठीक है। सोच रहा हूँ कि यार गाड़ी ठीक कराई ना, सही बात है सही बात। अपने भैया इलेक्ट्रीशियन है महिंद्रा की, भैया एक बार ढंग से देख लो वही से है। हाँ अभी गया था मनाली जिसने 20 सेल्फ ली है, अच्छा 5 टेम्परेचर में। वो कूलेंट कम है क्या इसके अंदर? कूलेंट पूरा पूरा है, एक कूलेंट है क्या ऑयल लगा ये कूलेंट है पूरे, तो मैक्सिमम यहाँ तक मिनिमम यहाँ से बीच में कोई दिक्कत नहीं, सही है ना ठीक है। लाइट ऊपर लाइट तो भाई अभी ना लैपटॉप लगा करके चेक किया जाएगा कि भाई गाड़ी के अंदर एक्चुअल में इश्यू क्या आ रहा है, तो वो मालूम पड़ जाएगा इससे। अभी देखते हैं क्या निकल के आएगा कि क्या दिक्कत आ रही गाड़ी में। प्रॉपर काम करते हैं भैया हमारे भाई, काफ़ी साल इन्होंने ना महिंद्रा में ही काम किया है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से गाड़ियाँ मेरी इनके पास आ रही हैं यार। अच्छा महिंद्रा का ये ऐप होगा या? हाँ जी महिंद्रा का ही लैपटॉप है। लैपटॉप महिंद्रा का ही है? नहीं लैपटॉप तो कंपनी का। एक संग बंद कर लेते हैं ये एप्लीकेशन, महिंद्रा राइस है ना? तो ये कुछ एप्लीकेशन है, इसमें गाड़ी आ गई अपनी अब मोबाइल ना करे तो वो क्या था? वो भी सॉफ्टवेयर है, उसमें सही नहीं आता है, उसमें भी आता है तो भाई ये एनालाइज कर रहा है जो गाड़ी है फॉल्ट है ना उसको, अभी अभी मालूम पड़ जाएगा इसमें है ना, इसके बाद ही आ जाएगा उसी के बाद है कि गाड़ी में दिक्कत किस बात की आ रही है। अभी ये पूरा ना EMS IC MBFM ABS सब चेक हो जाएंगे इससे, गाड़ी का जो लाइन से यहाँ पर सारी चीज़ चेक हो रही है इसके अंदर। अभी देखो जो चीज़ इसमें अगर नहीं है ना, ये ESCL इसमें है नहीं है तो उसमें रेड हो गया है, ये नहीं है EPS अपने में है तो चेक हो रहा है पूरा प्रॉपर, अभी ना चेक हो जाएगा और पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि अपनी गाड़ी में क्या कमी है भाई। और गैराज में ना काफ़ी बढ़िया बना रखा है, काफ़ी बड़ा है, टीन शेड के नीचे है, पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर यार। तो भाई अभी कुछ ये निकल के आया है, अभी भैया देखेंगे बताएंगे क्या रहा है इसमें, देखना भैया क्या क्या सीन रहा है। आया EMS में एक आया स्टार्टर रिले स्टॉप ओपन फॉल्ट फॉल्ट जी आया, अदर में आया जी आया चला गया ये आया चला गया, हाँ मतलब जी अदर में आया जब ही था जब जी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अच्छा बाकी और कोई एरर तो है नहीं? और कोई नहीं है जी, तो सब सही है, ऐसे सब सही है, सिर्फ स्टार्टर रिले में दिक्कत आई है। हाँ हाँ स्टार्टर रिले तो गाड़ी स्टार्ट तो सही पकड़ रही है, कंटन इतनी वैलिड की सिग्नल कंटन EMS इंजन EMS में जो आ रहा है स्पीड सिग्नल कंटेंट एरर है। हाँ नॉट साइज इसमें जो एरर आ रहा है ना अभी वो आ रहा है स्टार्टर रिले का स्टक ओपन फॉल्ट है, कुछ अभी निकल के आया है। अपने मोबाइल में फोटो खींच लीजिए, फोटो क्लिक कर लेता हूँ फोटो को। भाई गाड़ी के ना अभी इंजेक्टर ओपन कर लिए, अब इसके जो हीटर है ना 4 हीटर है इसके अंदर, चारों हीटरों का अभी ना ओपन कर रहे हैं इसको, और हीटर की ही प्रॉब्लम निकली इसके अंदर, इसके चारों हीटर खराब निकले हैं गाड़ी के यहाँ। पता नहीं यार हीटर इतनी जल्दी गाड़ी ख़राब होते नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में हीटर ख़राब निकले हैं चारों में चारों। अभी नए हीटर मंगाए हैं तो वो हीटर लगेंगे इस तरफ, तब अपना काम हो जाएगा। बाकी का अपने वॉशर का टैंक का हो गया काम, क्योंकि उसमें एक पाइप था
वो फट गया था उसमें, इसे कोने से जो है ये भी चेंज कराया अभी, यहाँ पर भी खुलवाया था मैंने, तो यहीं पर ही पाइप था वो, तो वो चेंज हो गया, तो वो तो ठीक हो गया। बाकी अभी इसके हीटर का मालूम पड़ता है, अभी हीटर निकल रहे हैं बाहर, डलवाते हैं नए। तो यार निकल के ना अभी ये अपने हीटर आए हैं गाड़ी के, ये चार हैं और ये चारों ख़राब है भाई जी, वही चारों ही ख़राब निकले हैं, चेक कर लिए पूरी तरीके से। ये पहली बार देख रहा हूँ किसी गाड़ी में कि ये चारों ख़राब है मेरी, आज तक किसी गाड़ी में, आज तक पूरी 15 साल गाड़ी चल गई होगी कभी ख़राब नहीं निकले, और ये यार इस गाड़ी में निकल गए और कब से ख़राब है पता ही नहीं है। तो यार 9 बज गए और पता है मैं लौट करके वापस आ गया था घर पर, 2:30 बजे की बात थी यार, मैं वहाँ पर ना गाड़ी काम चल रहा है और मैं बैठा हुआ था मैं चेयर पर, और बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ कि मेरे चेस्ट में बहुत तेज वाला पेन हुआ है, इस साइड में लेफ्ट साइड है बहुत तेज तरीके से, इतना तेज थी मैं जैसा था वैसे ही अकड़ा ही रह गया, और मैं इवन ना सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैं अगर सांस ले रहा हूँ इन आउट कर रहा था मैं, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला पेन मेरे को होने लगा। मैं बहुत देर तक ऐसे ही रह गया, बहुत देर तक पड़ा रहा मैं इस तरह से, अपने आप कंट्रोल करता रहा, कुछ ना हो क्या हुआ। फिर जब मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ अभी मैं कुछ मूवमेंट कर सकता हूँ, मैंने फ़ोन निकाला, अपने तुरंत भाई को फ़ोन किया, वो आया वहाँ पे तुरंत जो है, और मैं वहाँ पे आकर, वहाँ पे एक था उनका लेटने का, वहाँ पे लेटा हुआ था मैं लेकर के गया डॉक्टर पर दिखाया पूरा ना अपना एक्सरे वगैरह और बाकी सारा जो भी ECG वगैरह होता है ना वो सारी चीज़ करवाई अपनी मैंने, और मैं वहाँ से तभी का आ गया हूँ, तभी से मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, और गाड़ी मेरी वहीं पर है अभी। वो एक्चुअली क्या हुआ गाड़ी के अंदर ना कि हीटर तो डल गया, वो जो हीटर थे वो डल गए, बट उसमें क्या हुआ कि उसका जो इंजेक्टर जो होते हैं वो खुलते हैं उसके अंदर, उसमें तो इंजेक्टर में क्या है कि वो इंजेक्टर लॉक हो जाते हैं, वो अगर आप उसको सही तरीके से जगह है, अगर उसको ना बंद करो तो एयर ना निकालो उसकी अगर, तो वही था, तो यार उसकी ना एयर की वजह से वो लॉक हो गए, तो गाड़ी पड़ी हुई है अभी भी, तो अभी गाड़ी आ रही है। यार बहुत बड़ा सीन हो गया मेरे साथ में, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मेरे को तो ट्रिप के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, और अभी तो मैं लग नहीं रहा कि मैं अभी ट्रिप पे जा पाऊँगा इसकी वजह से। वैसे मैं ठीक हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस वो पेन मेरे को कई दिनों से हो रहा था, इसीलिए मैं बीच में ट्रिप नहीं करी है मैंने कोई भी, अब ट्रीटमेंट भी चल रहा था तब से, आज बहुत ज़्यादा तेज हो गया, पता नहीं यार क्या था, लेकिन दिखाया है सब कुछ नॉर्मल निकला, ECG भी नॉर्मल है, एक्सरे भी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी हुए हैं काफ़ी, वो उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ था, BP बढ़ा हुआ था, 170 और 100 था BP भी। वेल अभी गाड़ी आती है ना, गाड़ी देखते हैं अभी क्या रहा, गाड़ी में कितना काम हुआ, क्या सब चीज़ें। चलो अभी वेट कर रहा हूँ गाड़ी आने का, कब तक आती है बात करते हैं उससे कि अभी और क्या क्या काम गाड़ी में हुए एक्चुअली, है ना। तो भैया हमारी गाड़ी तो आ गई, कितने बज गए, 9:15 गाड़ी आई है। हाँ ठीक है, स्टार्ट हो रही है गाड़ी, आओ आ जाओ, बंद कर दो। क्या क्या काम हो गया, वो इंजेक्टर का हुआ बाकी तुम्हारे सामने। अरे वो एक बार फिर कैसे स्टार्ट हो गई, रेस दे के रखी जैसे पहले शुरू में देखी थी, फिर से वो वेंचर लॉक हो गए, फिर दोबारा क्या नाम है भैया को भेजा, फिर मैं क्या दोबारा लॉक खुलवा के लाया, वो कवर वोवर लगा दिया उस पर। हाँ सर भैया, यस सर, खोल के देख लो एक बार। अच्छा देखिए, लेकिन जब भुरभुर की आवाज़ है ना, वाइब्रेट की सी है ना, वाइब्रेशन की आवाज़ है ना, कहाँ गया अब ये, उस काम में बिजी हो गए ना, देर हो गई, फिर रात हो गई, तो मैंने कहा अब से कल देख लेंगे। वाइब्रेशन ज़्यादा ना इंजन में, वाइब्रेशन है, और जो एक डोंची पे भी ब्रेकर पे भी आवाज़ करती है ना। हाँ है ना, हाँ शॉकर में दिक्कत है क्या, वो शॉकर में या देखना पड़ेगा, इधर वाले राइट साइड से आ रही है, अभी मैं लाया था जब मुझे पता लगा, अभी सर्विसिंग कराऊंगा ना मैं, तभी करा लूंगा यार काम, क्योंकि अभी तो मैं एक ट्रिप मारने ही सोच रहा हूँ, ट्रिप क्या मारूं, कोई दिक्कत नहीं, अब ट्रिप क्या मारूं, सबको करो यार, मुझे तो भाई यार थोड़ी डॉक्टर को दिखाया मैंने यार सीधे आ करके, क्या कह रहा। तो भाई गाड़ी को मैंने बाहर ही खड़ा किया है, अंदर खड़ा नहीं किया है टीन शेड में, क्योंकि ना मुझे चेक करना है गाड़ी रात में बाहर खड़ी रहेगी कितना ठंडा पड़ेगी, देखते हैं गाड़ी सुबह कैसा रिस्पॉन्स करती है, वो मालूम पड़ जाएगा मेरे को एक ही बार में कि गाड़ी ने किस तरह से स्टार्ट हुई है। अब ग्लो प्लग तो डल गया है इसके अंदर, तो अब ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, अब ऐसा कोई इशू नहीं आएगा गाड़ी के अंदर, ये तो कंफर्म है, बाकी सुबह चेक करेंगे गाड़ी को, ठीक है चलो फिर। तो गुड मॉर्निंग यार, आज ना नेक्स्ट डे है, और आज ना प्रेडिक्शन भी है अब पानी पड़ने का, और टाइम पता है 9:30 बज रहे हैं इस समय, अरे कहाँ गया टाइम, 9:30 बज गए। अब गाड़ी को ना चेक करता हूँ मैं,
कि भाई गाड़ी का क्या सीन है, जो हमने कल काम कराया है तो उसमें क्या सीन आया है, ये क्या हो गया गेट में। ठीक, आपने क्यों लगा था? अच्छा, सामान रखा हुआ इसलिए कर रहा था। अरे यार, सारे बतुए यहीं फेंक देगा आज अपने। तो भाई अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या सीन रहा है ना। चलो फिर। अरे यार, ये देखा, ये वही दिक्कत आ रही है। अब इसको ना चाबी काम नहीं कर रही है। अब मेरे को ना इसको यहाँ पर टच करना पड़ेगा। अब लिया है, देखो, देख रहे हो कितने कुछ कब लिया है इसने, जब टच किया है तब इसको। पता नहीं यार, सेल इसके दो बार चेंज करा चुका हूँ, फिर भी ये इशू आ ही रहा है। अभी इसको हम करेंगे स्टार्ट गाड़ी को। देखो, फिर वही दिक्कत देख रहे हो। अरे यार, गाड़ी आज एक ही सेल्फ में स्टार्ट हुई है, जबकि कल गाड़ी ने बहुत दिक्कत करी थी। आज एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर गाड़ी को मैं स्टार्ट रहने देता हूँ, गाड़ी थोड़ी हीट हो जाए। और आज ना एक काम करेंगे, गाड़ी को ना वॉश कराएंगे, क्योंकि गाड़ी अपनी बहुत ही ज़्यादा वाली गंदी हो रही है। देख रहे क्या हाल हो रहा है इसका, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, अंदर से भी पूरा गंदी हो गई गाड़ी यार। यार अब इसको असली और टेस्ट होगा ना, वो होगा इसका अपनी ट्रिप में। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ, पहले तो सोच रहा था अरे यार ये सारा सब ही बेच देगा आज। पहले तो मैं सोच रहा था कि प्लेन एरिया में चला जाता हूँ ताकि ये दिक्कत ना आए गाड़ी में, लेकिन अब प्लान है भाई अपना फिर से पहाड़ों में जाने का, तो फिर से पहाड़ों में चलेंगे यार अब। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग के अंदर। तैयारी करते हैं ट्रिप की। अभी थोड़ा सा हेल्थ के लिए करके थोड़ा इशू है, अभी वो देख लूँ क्या करना है उसका, क्या रहता है अभी, और टेस्ट वगैरह करवाने हैं। जो भी आगे रहेगा बताऊँगा आपको मैं। निकलते हैं ट्रिप पर किसी भी दिन। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले किसी ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।